दोस्तों आज हम सभी अपने WhatsApp एप्लीकेशन से इतना ज़्यादा फैमिलियर हो चुके हैं कि किसी को मैसेज भेजना, ऑडियो कॉलिंग करना, वीडियो कॉलिंग करना, फोटो शेयर करना या फिर अपने स्टेटस को अपडेट करना, हर तरह के काम हम अपने WhatsApp के जरिए करते हैं। वैसे दोस्तों WhatsApp एंड टू एंड इंक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है, यानी आप अगर WhatsApp पे किसी को मैसेज भेजते हैं तो आपका चैट और कोई नहीं देख सकता, इसलिए हम कह सकते हैं कि WhatsApp काफ़ी सेफ एंड सिक्योर है। पर दोस्तों आजकल साइबर क्राइम के बढ़ते मामले को देखकर लगता है कि हमें पहले से भी ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp सिक्योरिटी से जुड़े कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप हो रहे साइबर क्राइम से बच सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चल पाए कि वो कैसे साइबर क्राइम से अलर्ट रहेंगे। और चैनल पे नए आएंगे दोस्तों तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और आप देख रहे हैं टेकमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली टिप्स यह है कि आप अपने WhatsApp प्रोफाइल को सिक्योर करें, यानी दोस्तों हम क्या करते हैं तरह तरह के WhatsApp प्रोफाइल लगाते हैं और सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो दोस्तों आपको पहले अपने WhatsApp को ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको ऊपर में 3 डॉट का आइकन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने प्राइवेसी वाले सेक्शन पे चले जाएंगे। जैसे ही दोस्तों आप अपने प्राइवेसी वाले सेक्शन पे जाएंगे तो आपको प्रोफाइल फ़ोटो देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको एवरीवन, माई कॉन्टैक्ट्स और नोबडी। आपको दोस्तों यहाँ पे माई कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके कॉन्टैक्ट में जितने लोग होंगे, यानी आप जितने लोग को जानते होंगे वही लोग आपके फ़ोटो को देख पाएंगे और कोई भी एक्सटर्नल आपके फ़ोटो को नहीं देख पाएगा। ऐसे में आपका प्रोफाइल होगा वो लीक होने का चांसेस नहीं होगा। दूसरी टिप्स यह है दोस्तों कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लेते हैं और हम हर नंबर से क्या करते हैं, चैट नहीं करते हैं। तो चैट नहीं करने वाले कॉन्टैक्ट को क्या करना है दोस्तों, ब्लॉक कर देना है। क्योंकि क्या होता है कि हम जिस भी नंबर को अपने मोबाइल में सेव करते हैं वो हमारे प्रोफाइल फ़ोटो को देख सकता है, यानी हो सकता है वो हमारे प्रोफाइल फ़ोटो को लीक कर सकता है। तो दोस्तों आप जिस भी नंबर से चैट नहीं करते हैं उसको आपको ब्लॉक कर देना है। तीसरी टिप्स यह है दोस्तों कि आप अपने WhatsApp में 2-स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिवेट करेंगे, यानी एनेबल करेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका WhatsApp काफ़ी सिक्योर हो जाएगा। उसके लिए आपको WhatsApp को ओपन करना होगा, ओपन करने के बाद आपको 3 डॉट आइकन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको अकाउंट सेक्शन में जाना होगा। जैसे ही आप अकाउंट सेक्शन में जाएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे 3rd नंबर पे 2-स्टेप वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे एनेबल का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। एनेबल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 6 डिजिट का पिन पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे 6 डिजिट का पिन क्रिएट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका WhatsApp 2 तरह से वेरीफाइड हो जाएगा, यानी आपका WhatsApp काफ़ी सिक्योर हो जाएगा, तो आप ये काम कर लेंगे। चौथी टिप्स यह है दोस्तों कि आप अपने WhatsApp पर बैंक डिटेल शेयर ना करें। कई बार क्या होता है दोस्तों कि जल्दबाजी में हमें किसी को अपना बैंक डिटेल शेयर करना होता है, या फिर हमें कभी ऐसा ज़रूरत पड़ जाता है कि हमें अपने बैंक डिटेल को किसी और को शेयर करना पड़ता है, तो हम जल्दी जल्दी में अपने WhatsApp को खोलते हैं और अपने बैंक डिटेल उसको शेयर कर देते हैं। तो दोस्तों आप ये गलती ना करें, यानी आपको आज से अपने बैंक डिटेल को WhatsApp पर शेयर नहीं करना है। पांचवी और आखिरी टिप्स यह दोस्तों कि आपको अनजान मैसेज या फिर कॉल्स को इग्नोर करना है। कई बार क्या होता है कि हमारे WhatsApp पे किसी अनजान व्यक्ति का मैसेज आ जाता है या फिर किसी का कॉल आ जाता है, तो उस समय हमें क्या करना है दोस्तों, उसको इग्नोर करना है और सिंपली आपको उसी वक्त उसको ब्लॉक कर देना है। तो दोस्तों ये थे कुछ 5 ऐसे WhatsApp के सिक्योरिटी टिप्स जिसके जरिए आप हो रहे साइबर क्राइम से बच पाएंगे, यानी आपको किसी भी तरह का साइबर क्राइम से खतरा नहीं होगा अगर आप WhatsApp का काफ़ी यूज़ करते हैं। तो आई होप दोस्तों आप इस तरह के टिप्स को फॉलो करेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा और दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए आएंगे दोस्तों तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। मिलते फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।